हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है एनआरआई के लिए। एनआरआई और रेसिडेंट दोनों के लिए ये बड़ा यूनिक टॉपिक है। कैसे? अगर कोई एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करता है और कोई रेसिडेंट उसको खरीदता है, उसके क्या प्रोविजन्स है, उस पर क्या टीडीएस है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि अगर टीडीएस ऑन बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम एनआरआई, यानी एक रेसिडेंट किसी एनआरआई से अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे क्या करना है, कितने परसेंट टीडीएस जमा करना है, और क्या 50 लाख का जो बेनिफिट है वो इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सारी बातें करेंगे पूरे कह सकते हैं कि बहुत ही ढंग से और बहुत सिंपल शब्दों में। पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, कल हमारे किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा, एक डॉक्टर साहब थे, कि उनका बेटा न्यूयॉर्क में रहता है और वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और बेटा ऑनर है। तो मुझे एडवाइस देना मैंने तो दे दिया, लेकिन उसके बाद मैं गूगल पे गया और मैंने बहुत आर्टिकल भी पढ़े इस रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी कन्फ्यूजन है लोगों ने, इतना मैं इसको एक वर्ड यूज़ करूँ कि रायता फैला रखा है, कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो एक प्रोफेशनल को जिसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो अगर कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो आपको भी बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा ट्रस्टेड जगह से इन्फॉर्मेशन उठाने की ज़रूरत है। वो ट्रस्ट हम दे रहे हैं, साथ के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड है और बहुत ही सिंपल है। क्या है पहली चीज़ आप एक जान लें कि अगर आप एनआरआई से बाई करते हैं तो जो 50 लाख का बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी अमाउंट का है उस पर आपको टीडीएस काटना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस केस में जो रेट है वो 20% का है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा होगा तो, यानी ये एनआरआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करना कि जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उस पर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि इस दोनों केसेस में रेट डिफर कर जाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हर कैटेगरी के लिए रेट डिफर करेगा। कैसे? सरचार्ज की वजह से। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रेट अलग होगा, अप टू 1 करोड़ की खरीदते हैं तो अलग होगा, और 1 करोड़ प्लस खरीदते हैं वो भी अलग होगा। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग एक तरह से समझ के 20% का टीडीएस काट देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और अप टू 50 लाख है, तो जो आपका रेट होगा 20% का, तो टीडीएस का रेट है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अब मैं सेक्शन में नहीं जा रहा हूं कि वो सेक्शन क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है उसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कैपिटल गेन के वीडियो में कर रखा है, लेकिन फिर भी बता दूं, 24 मंथ और एबव होने चाहिए, क्योंकि जो पहले डिफिनेशन था वो 36 मंथ का था, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, अब 24 महीने कर दिया गया। खैर, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है और एज ए रेसिडेंट मैं एनआरआई से खरीद रहा हूं, तो 20% का तो मैं टीडीएस काटूंगा ही काटूंगा, प्लस सेस है 4% का, यानी कि जो टोटल टीडीएस कटेगा 20.8 का कटेगा, यानी कि 20.8% कटेगा अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है। दूसरी बात करते हैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तब क्या होगा, टीडीएस तो मेरा 10% कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरचार्ज 10% का लग जाएगा, प्लस 4% का सेस लगेगा, यानी कि जो टोटल टैक्स आएगा 22.88% आएगा, 22.88, यानी 50 लाख के ऊपर आपका रेट चेंज हो गया। मैं यही कह रहा था कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैला कि 20% ही काट, अगर आपने मिस किया तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व कर देगा तुरंत एक्सेस चलान के लिए। तो ये चीज आप गलती ना करें। तीसरा, अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो रहा है, मैं बार बार लॉन्ग टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्रोसीजर ही अलग है मेरे, तो लॉन्ग टर्म हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो 20% का अगेन टीडीएस है, वो कहीं गलत नहीं है, लेकिन 15% का आपका सरचार्ज हो गया क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर है, प्लस 4% का सेस हो गया, यानी टोटल 23.92%, 23.92% आपको टीडीएस काटना है। यानी कि लॉन्ग टर्म के केस में आपके पास 3 रेट हैं, 1 रेट नहीं है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरे पास कोई राइट है कि मैं कोई कमेंट करूं, आप ये इंफॉर्मेशन जरूर वेरीफाई खुद से भी कर लें।
अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो क्या करें। बहुत सिंपल है, जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा आपका वो हो जाएगा। प्रिवेलिंग रेट का मतलब क्या भाई? प्रिवेलिंग रेट का मतलब कि जो टैक्स स्लैब में मैं आता हूंगा वो टीडीएस रेट मेरा बन जाएगा। उसमें कोई रेट डिफाइन नहीं किया गया, प्रिवेलिंग रेट बोला गया, मतलब 30% आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म के केस में। दो चीजें मैंने क्लियर कर दी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, कि अगर आप रेसिडेंट से खरीदते हैं तो टीडीएस पे करने में कोई परेशानी नहीं है। यहां थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा पेन है, उसको समझने की जरूरत है। कैसे? अगर आपने एनआरआई से कोई प्रॉपर्टी बाई की है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। 10 नंबर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10 नंबर अलॉट होने के बाद ही आप टीडीएस जमा कर सकते हैं। यानी जो हमने पीछे वीडियो में बताया था कि आप एनएसडीएल की साइट पर जाइए और पैन नंबर के थ्रू पे कर दीजिए, रेसिडेंट के केस में पॉसिबल है, एनआरआई के केस में ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। 10 नंबर अलॉट होने के बाद आपको टीडीएस जमा करना होगा। देखिए, टीडीएस जमा करने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं एक ब्रीफ कर दूँ कि जिस मंथ का था उसके नेक्स्ट मंथ में आप जितनी जल्दी 7 तारीख के पहले जमा कर दो अच्छी बात है, और जो रिटर्न है आपके नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा। यानी कि आपका रिटर्न आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है, जो बंदा आपको हेल्प करे। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आप प्रॉपर्टी एनआरआई के थ्रू खरीद रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है आप पहले कमेंट बॉक्स में कंफ्यूजन मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट डाल सकते हैं। अब एक और बात में बात करूं, रिटर्न तो फाइल कर दिया, उसके 26A में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, और चालान की कॉपी आपको रजिस्ट्रार को दे देनी है। अब एक बात बताएं, मेरे से वो भी क्वेश्चन था कल, क्योंकि जो कल डॉक्टर साहब ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसमें 2 ऑनर थे। ये भी बड़ा मजेदार, ये तो नॉर्मल है इंडिया के लिए, मजेदार क्या है, एक NRI है एक रेसिडेंट है और दोनों इक्वल पार्टनर है सर। अब क्या करें? मामला तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे? जो रेसिडेंट है उस पर तो 1% लगेगा, और जो NRI है उस पर जो रेट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। यानी कि 2 चालान जाएंगे, एक तो 26Q में जाएगा, QB में, और दूसरा यहां पे जाएगा। अब आपको ये देखना होगा कि जो आपका ऑनर है उसकी स्टेटस क्या है। और देखिए, इसको स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज के डेट में जब रिटर्न फाइल होते हैं तो उसमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आप कब से कब बाहर थे, नहीं थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन रह गया जो मैंने एड्रेस करने में या तो मैं चूक गया, या हो सकता है हमें वो लगा कि वो इन्फॉर्मेशन उतनी रिलेवेंट नहीं है, उसको भी अगर आपको जानना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ के कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि हम हर वीक कम से कम 4 से 5 ऐसे रिलेवेंट टॉपिक पे प्रोफेशनल के थ्रू वीडियो बना के दे रहे हैं, जो कि आपके रोजमर्रा के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।